फ्रेंड्स, अगर आप भी गमले में नींबू का पौधा उगाकर प्रचुर मात्रा में नींबू प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं नींबू प्लांट की संपूर्ण केयर टिप्स देने वाला हूं, जिससे कि आप प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर प्रचुर मात्रा में नींबू गमले में उगाकर प्राप्त कर सकते हैं। नींबू के पौधे से नींबू प्राप्त करना बहुत ही आसान है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक आपको फॉलो करनी होगी। तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। फ्रेंड्स, लेमन प्लांट की केयर आपको देने वाला हूं, कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको दूंगा जिसको की फॉलो करके आप प्रचुर मात्रा में नींबू प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से पहुंच सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, नींबू के पौधे से नींबू प्राप्त करना बहुत ही आसान है। आप मेरे सामने ये जो नींबू का प्लांट देख रहे हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में नींबू लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं ये जो पॉट है ये सिर्फ 12 इंच का पॉट है और प्लांट की अगर उम्र की बात करूं तो ये 9 से 10 महीने का ये प्लांट है और बहुत ही आसानी से नींबू का पौधा प्लास्टिक के गमले में किसी भी कंटेनर में ग्रो हो जाता है, ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। नींबू का पौधा जब आप लोकल नर्सरी से या ऑनलाइन बाई करते हैं तो वहां आप लोगों से कभी कभी एक गलती हो जाती है और वो गलती यह होती है कि वो पौधा जो आपको मिलता है नर्सरी से या ऑनलाइन, कभी कभी वो बीज वाला पौधा आपको मिल जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर बीज वाला पौधा उन्हें मिला है और उन्होंने मुझसे बताया है कि 4 साल हो गए 5 साल हो गए अभी उस पौधे में कोई भी फूल नहीं आया। फ्रेंड्स, नर्सरी से पौधा खरीदते वक्त आपको खास सावधानी रखनी है, या आपको ग्राफ्टेड प्लांट लेना है या फिर आपको लेना है एयर लेयरिंग यानी गोटी कलम वाला पौधा। अब आप अगर गोटी कलम वाला पौधा बाई कर रहे हैं तो पहले से ही चेक कर लें कि उसमें फूल फल लगे हैं या नहीं लगे हैं, अन्यथा फिर आप पछताएंगे, क्योंकि इस वक्त चल रही है धोखाधड़ी और बीज वाला पौधा कहीं आपको प्राप्त हो गया तो उसमें फल आने में लग जाएगा काफी वक्त, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, जब कभी भी आप लोकल नर्सरी से या ऑनलाइन नींबू का पौधा बाई करें तो वैरायटी को लेके आपको खास ध्यान रखना चाहिए। वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुंभकार्ड लेमन आता है या फिर कागजी बारामासी है या फिर गंधराज लेमन है, कई वैरायटी नींबू की आती है, इसमें से एक वैरायटी का आपको चुनाव करना चाहिए और गमले में आसानी से नींबू का पौधा आप भी ग्रो कर सकते हैं। ग्राफ्टेड प्लांट लीजिए चाहे एयर लेयरिंग प्लांट लीजिए, उस वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें छोटे छोटे नींबू लगे होने चाहिए, तब आप धोखाधड़ी से बचे रहेंगे। फ्रेंड्स, नींबू का पौधा जब आप नर्सरी से बाई करके अपने घर लाते हैं तो आप लोग एक गलती करते हो और गलती यह होती है कि बड़े बड़े ड्रम्स में आप नींबू का पौधा लगा देते हो, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। नींबू का पौधा आप चाहे 1.5 फुट का लाओ चाहे 2 फुट का लाओ, शुरुआती दौर में उसे करीब 12 से 14 इंच मैक्सिमम 16 इंच के पॉट में लगाएं, इससे ज्यादा बड़े में ना लगाएं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग गलती करते हैं और बड़े बड़े ड्रम्स में 100-200 लीटर के ड्रम्स में नींबू का छोटा सा पौधा लगा देते हैं। पौधा लग तो जाता है लेकिन पौधे की जो जड़ें होती हैं वो बहुत तेजी से पूरे गमले की में यानी कि ड्रम्स में भरने लगती हैं और पौधा ऊपर ग्रोथ नहीं दिखाता और इसी वजह से पौधा कमजोर ही रह जाता है। तो ऐसा काम आप लोग ना करें, छोटे पौधे को छोटे गमले में लगाएं और 2 या 3 फेज में आप ड्रम में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ड्रम में लग नहीं पाएगा। नींबू का पौधा सभी प्रकार के कंटेनर में, गमले में, ग्रो बैग में, प्लास्टिक के गमले में आसानी से ग्रो हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आइए अब नींबू के पौधे के लिए सॉयल की बात करते हैं। नींबू का पौधा गमले में लगाने के लिए वेल ड्रेन सॉयल होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी जितनी बढ़िया होगी नींबू के पौधे में उतनी ज्यादा फ्रूटिंग होगी और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखाएगा। नींबू के पौधे की जब भी आप मिट्टी बनाएं तो 70% के आसपास गार्डन सॉइल का आपको प्रयोग करना चाहिए। 20% में आप कंपोस्ट ले सकते हैं जिसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं। 10% में रिवर सैंड या कोकोपिट आप ले सकते हैं और आप उसमें 10 ग्राम के आसपास ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जरूर करें जब आप गमले की मिट्टी बनाएं। साथ में नीम खली 10 ग्राम के आसपास आपको स्टोन डस्ट या मार्बल पाउडर का भी प्रयोग करना चाहिए और 10 ग्राम के आसपास सरसों की खली का ड्राई पाउडर भी प्रयोग करना चाहिए। यह सब मिला के आप अपने पौधे का प्लांटेशन कर दीजिए। 6 माह तक आप कोई भी
फर्टिलाइजर अपने पौधे को ना दीजिए सिवाय सीविड एक्सट्रैक्ट लिक्विड फर्टिलाइजर, जो कि दानेदार फॉर्म में भी आता है, लिक्विड में भी आता है। सीविड बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, वही मैं प्रयोग करता हूं। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे नींबू मेरे यहाँ गमलों में लगे हुए हैं। बारहमासी वैरायटी के नींबू के पौधे में साल में 2 से 3 बार नींबू लगते हैं, और इसके लिए आपको साल में 2 से 3 बार फर्टिलाइजर देना चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर में जब आप गमले में नया प्लांटेशन कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर सिर्फ एक ही बार दीजिए, उसके बाद 6 महीने बाद से फर्टिलाइजर देना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। कीट मकोड़ों से बचाने के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं 1500 ppm का। 15 दिनों में पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखाएगा और मैं ऐसा ही करता हूँ। ध्यान रहे, नींबू के पौधे को कम पानी पसंद है, खास तौर पर फ्लावरिंग सीजन में। जब नींबू के पौधे में फूल आ रहे हों तो पानी की मात्रा को आपको नियंत्रित करना चाहिए, और जब मटर के दाने के बराबर नींबू का साइज हो जाए तो पानी की मात्रा को इंक्रीज करना चाहिए। नींबू का पौधा फुल सनलाइट वाला पौधा है, यानी कि 7 से 8 घंटे की सनलाइट इसको चाहिए, तभी पौधा अच्छी ग्रोथ दिखाता है। तो नींबू के पौधे से संबंधित आज के इस वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार।